भाई देखिए किस तरह का नजारा है आज हर की पौड़ी पर, आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त नजारा, पहली बार ऐसा ड्रोन शो। वीर हनुमान सुरक्षित, इतनी सी एनर्जी है कि यहाँ जितने भी साधु संत के रूप में लोग घूमते हैं, प्रशासन की तरफ से उनकी शिनाख्त होनी चाहिए ताकि हमारा पैसा इधर उधर ना जाए। उनका आधार कार्ड रोज चेक होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्या हमारे देश में घुस रहे हैं, तो हमारा हरिद्वार कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए। शनिवार के नाम से डरा रहे हो आप, तो मंत्र सुनाइए। चलो कोई शनिवार का महामृत्युंजय मंत्र सुनाना जरा, गायत्री मंत्र का अर्थ बताना जरा। ये आपके पास हिम्मत है, गुर्दा है और असली में संत हो तो मेरे साथ हर की पौड़ी एक बार पैर रख के दिखाओ। सुन सुन इधर सुन, आप कुछ तो ये जो असली वाले संत है वो बदनाम नहीं होने के, दिखोगे ना तो ये चप्पल यही वाली निकाल के खोपड़ी पे मारूंगा साले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड घुमक्कड़ में। मैं हूं इस वक्त हरिद्वार के ओम घाट पर आपके सामने। आज शाम का जो दृश्य है वो ये है कि आज दीपोत्सव है और गंगा जी में हर की पौड़ी पर आज ड्रोन शो होगा पहली बार। आप देख रहे हैं ये जो दिए हैं ये फिलहाल तेल से भरे हुए हैं और यहाँ पर कुछ आकृतियाँ भी बनाई गई हैं जिसमें कि लिखा भी हुआ है सियाराम। और देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और की पौड़ी भी मैं आपको लेकर चलने वाला। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय गंगे माता जरूर लिख देना क्योंकि हम आपको देते हैं डेली हरिद्वार का अपडेट। गंगा जी के किनारे किनारे रखे हुए हैं और ये दिए फिलहाल जो लोग यहाँ पर शाम को रुके हुए हैं वो इन्हें जलाएंगे। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि 11 नवंबर को यहाँ जो दीपोत्सव होगा उसमें ड्रोन शो भी होगा। जिस ये है हरिद्वार का वो घाट जो कि आपको सभी सुविधाओं से लैस है वैसे तो, और ये एक शांत घाट भी है और ये हरिद्वार का सबसे ज़्यादा फेमस घाटों में से भी एक घाट है। आपके दिल्ली देहरादून हाईवे है, इसी हाईवे पर ये पड़ता है कि आपको यदि देहरादून जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, नजीबाबाद जा रहे हैं, बिजनौर जा रहे हैं और यदि हरिद्वार में हैं और आपके पास समय भी कम है तो ये घाट आपको देता है कुछ ऐसी सुविधाएं कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ आकर स्नान कर सकते हैं। और देखिए किस तरह छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और जैसे ही ये सब दिए जल जाएंगे उसके बाद जहाँ पर बाकी बच्चे दिए हैं वो भी ये लोग जलाने जाएंगे। और फिलहाल आपको आरती की आवाज़ आ रही होगी कि 6 बजे जैसे ही आरती समाप्त हो जाएगी तुरंत ये दिए जलाने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रोन शो के द्वारा ये सब चीज़ आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पर भी देखिए श्री राम लिखा हुआ है और आपके सामने है ये हरिद्वार का सबसे महंगे होटलों में से एक होटल है पीलीभीत। और इसके जस्ट पास में ही यानी यहाँ पर और इसके बराबर में ही एक नाम है मोदी भवन जो कि एक धर्मशाला है। यहाँ पर भी एक वेब सीरीज है या फिर एक मूवी बोल सकते हैं आप, उसकी भी यहाँ पर शूटिंग हो रखी है। और मैं चल रहा हूं दोस्तों हर की पौड़ी पर सीधा। ये जो बच्चे हैं स्कूल के जितने भी हैं, ये डीवी पब्लिक स्कूल है हरिद्वार का।
आपसे मैं यही कहूँगा दोस्तों कि एक बार हरिद्वार ज़रूर आएँ। यदि आज तक भी आप नहीं आए हैं तो आप जीवन में एक बार अपने हरिद्वार ज़रूर आएँ। जिंदा हैं तो ज़रूर आ जाएँ, जिंदा हैं तब तक ही आ जाएँ, क्योंकि लोटे में तो यहाँ हर कोई आ रहा है। यहाँ पर होने वाले स्कैम, फ्रॉड, साधु, जितनी भी आपको यहाँ की जानकारी चाहिए वो आप हमारे चैनल के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि यही हम आपको दिखाते रहते हैं। फिलहाल जब से यहाँ का प्रशासन स्ट्रिक्ट हुआ है तब से मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर पहले गाड़ियाँ ही पार्किंग होती रहती थी और वहाँ पर जहाँ पर आप लोग उतर कर हर की पौड़ी जाते थे, वहाँ अब प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि आप कार भी पार्क नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। और इसके अलावा जो नकली फ्रॉड साधु आपको तुरंत घेर लेते थे रिक्शा, बाइक, साइकिल और कार से उतरते ही, अब वो भी यहाँ आपको दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्रॉडी बाबा जो यहाँ पहुँचा है, यदि आप इससे सवाल करेंगे तो कसम से आपको हकीकत ज़रूर पता चलेगी। शनिवार के नाम से डरा रहे हो आप, तो मंत्र सुनाइए। अच्छा चलो कोई शनिवार का महामेत, तुझे मंत्र सुनाना ज़रा। गायत्री मंत्र का अर्थ बताना ज़रा। ये आपके पास हिम्मत है, गुर्दा है और असली में संत हो तो मेरे साथ हर की पौड़ी एक बार पैर रख के दिखाओ। सुन सुन इधर सुन आप कुछ, तो ये जो असली वाले संत है वो बदनाम नहीं होने के, दिखोगे ना तो ये चप्पल यही वाले निकाल के खोपड़ी पे मारूंगा साथ। देखिए रात के समय में जब हर की पौड़ी जाते हैं तो यही सामने पार्किंग है और ये रोड इस तरह से बना दी गई है जैसे आप रनवे बना दिया जाता है कि एरोप्लेन उतरने के लिए, बिल्कुल ऐसा सीन है। यानी ये भी बहुत ही सारे ड्रोन हैं, देखिए किस तरह से क्या क्या बन रहा है। अब आप मुझे कमेंट जरूर करते रहना कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या यहाँ पर बन रहा है। देख रहे हो भाई कितने लोग इसको कैद कर रहे हैं आज अपने अपने कैमरों में। और ये भी हाथी पुल है जो कि हर की पौड़ी की तरफ जाता है। और फिर एक नई पहचानिए और कमेंट जरूर करिएगा मुझे ये क्या है। देखिए किस तरह का नजारा है आज हर की पौड़ी पर। आप देख रहे क्या जबरदस्त नजारा, पहली बार ऐसा ड्रोन शो हुआ है और उसके बाद हर की पौड़ी का जो नजारा है आप देखेंगे, पहली बार देख रहा हूँ मैं भी भाई। और गंगा किनारे जो है दिए जल रहे हैं, जो पूरे ओम घाट तक जलाए गए हैं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं दोस्तों, कमेंट करते रहते हैं। बाकी भी वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमें कमेंट करना। देखिए क्या बेहतरीन, क्या भरपूर नज़ारा है, मज़ा आ गया भाई दोस्तों। और आप जानते हैं ये किसकी आवाज़ है, तो ये है कन्हैया मित्तल जिसने गाना गाया था, भजन गाया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और वही आज यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने ही ये सॉन्ग गाया जा रहा है उनके द्वारा। सामने से ही ड्रोन शो हुआ था और भीड़ देखिए अब कितनी है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अद्भुत आज का नज़ारा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना आपको कैसे लगी ये वीडियो। ठीक है ऐसे ही दोस्तों, आपने मिलियन मिलियन व्यूज़ दिए हैं हमें दूसरी वीडियो पर सपोर्ट करने के लिए, इस वीडियो को भी मिलियन व्यूज़ में ज़रूर पहुँचा देना, इस वीडियो को भी शेयर करते रहना ताकि हमारा जज्बा बना रहे और हम आपके लिए हरिद्वार की में होने वाले स्कैम के भंडाफोड़ करते रहें। देखिए भाई आपने सुनी लिया कि पुष्कर सिंह धामी जी भी आए हुए हैं, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों। और
लोग तांडव करते हैं। अगर किसी दिन तांडव कर दिया ना पाकिस्तान बचेगा ना अफगानिस्तान बचेगा। इसलिए भले नाम को बदनाम मत किया करो कि ताली मिलो करो आप उठा के ताली मिलाइए। नमः शिवाय। भाई मैं आपको थोड़ा आगे तक लेके जा रहा हूँ और वीडियो को शेयर करते रहना दोस्तों। ये कुल देवी निर्धारित कर दी है। बड़े से बड़ा डॉक्टर यहाँ डॉक्टर भी आए होंगे। बड़े से बड़ा डॉक्टर कहता है आपके औलाद नहीं हो सकती। उनको पूछना क्या गंगा माई चाहे क्या मेरे औलाद नहीं हो सकती। वो डॉक्टर भी कहेगा गंगा माई के आगे तो किसी की नहीं चलती। गंगा मैया के लिए ताली बजा जाए। और चौथी शक्ति सबसे बड़ी पितर जी माँ। पितरों को मानते हो? कौन कौन मानता है? सारे कैमरे भक्तों की ओर फोकस करो। सब मानते हो? पर दादा के दादा का नाम बताओ। यहाँ हम सबका आज दोष खत्म हो गया। अब एक बार जोर से पूछो कैसे। हाँ, स्वर्ग एक है कि दो है? हरिद्वार बस में क्या बात कर रहे होंगे? तो यहाँ समझ आ गया हरिद्वार में मेरा पोता भी भगवाधारी और तेरा पोता भी भगवाधारी है। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाते हैं। ये बात जय हो पितर देवा करुण तेरी सेवा। चार का दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप से मित्रता किया करो। कौन कौन मित्रता करेगा? अपने माँ बाप से। तालियों की आवाज आनी चाहिए आपकी। आपकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ऐसी पावन नदी जहाँ माँ गंगा आप सबका स्वागत और अभिनंदन। इसी प्रचलन के साथ ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है कि हम वीर हनुमान राम नाम रसियो रे प्रभु बन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु बन बसियो रे। अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी। एक अर्जी मुख्यमंत्री जी बैठे तो छोटी सी करना चाहता हूँ। एक बार आपने देहरादून से बस चलाई थी खाटू श्याम जी के लिए। मैं चाहता हूँ एक बस हरिद्वार से भी खाटू श्याम जी के लिए चले। और सिर्फ इतनी सी अर्जी है कि यहाँ जितने भी साधु संत के रूप में लोग घूमते हैं प्रशासन की तरफ से उनकी शिनाख्त होनी चाहिए ताकि हमारा पैसा इधर उधर ना जाए। उनका आधार कार्ड रोज चेक होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्या हमारे देश में घुस रहे हैं। तो हमारा हरिद्वार कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ।